जदयू और बीजेपी की आपस में हो रही खटपट। बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी और जदयू आपस में सीटों को लेकर लड़ रहे हैं। ये तनातनी इतनी बढ़ गई है कि जदयू नेता ललन सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से खुश नहीं है तो अकेले ही चुनाव लड़ ले। ये तनातनी करीब दो हफ्ते पहले पटना में चुनाव में उतरने को लेकर हो रही चर्चा के दौरान हुई। भाजपा की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस और महासचिव भूपेंद्र यादव जदयू नेताओं के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब भूपेंद्र यादव ने सीटों के मामले में भाजपा को दूसरे पायदान पर धकेले जाने की बात कही तो जदयू नेता ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से असंतुष्ट है तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ ले। ललन सिंह की इस बात पर देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दोनों ही नेता नाराज हो गए थे। उधर सालों से गठबंधन में रही लोजपा भी बिहार चुनाव में अकेले ही उतर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद उसके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जदयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में ये काफी पेचीदा मामला बनता जा रहा है। जदयू और बीजेपी को अपनी पार्टी में हो रहे कलह से फुर्सत मिले तब तो राज्य के विकास की बात होगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में नीतीश को लेकर सहयोगी पार्टी आशंकित है। उनकी घटती लोकप्रियता, कोरोना में खराब प्रदर्शन और 15 वर्ष के शासन के बाद भी बेरोजगारी, गरीबी और अपराध को दूर करने में नाकामयाबी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सहयोगी पार्टियों को परेशान किए हुए हैं। जनता भी इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है और युवा तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता भी एनडीए में खतरे की घंटी बजा रही है। यही वजह है कि एनडीए में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और तनातनी का माहौल गर्म है। ललन सिंह और भाजपा की खटपट तो यही इशारा कर रही है।